फ्रेंड्स, वेलकम टू माई इसवे एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की अपडेट में ओपीएस सरकारी कर्मचारियों की दो टुक मंजूर नहीं और एनपीएस में संशोधन लागू हो, गारंटीकृत पुरानी पेंशन सुझाव ए फार्मूला है। तो लगातार बने रहिए, इस अपडेट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। यानी ओपीएस कर्मचारी संगठनों को एनपीएस में सुधार मंजूर नहीं है, उन्हें केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए। संगठनों ने केंद्र सरकार को दो टूक शब्दों में अपनी बातें कह दी है। आप देख सकते हैं, कर्मचारी संगठनों की दो टूक, एनपीएस में मंजूरी नहीं, सुधार चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा। सभी लोग अपने हक को जो है मांग रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि उन्हें एनपीएस में सुधार मंजूर नहीं है, उन्हें केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए के वरिष्ठ पदाधिकारी स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF के महासचिव श्री कुमार ने कहा कि एनपीएस को लेकर के वित्त मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। ऐसी अफवाह है कि एनपीएस के तहत केंद्र सरकार कर्मचारियों के पुरानी पेंशन काल में लाभ बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। रिटायर होने से पहले कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाए। बात तौर पर बता दिया जाए, राजकुमार ए जो है प्रस्ताव मंजूर नहीं होगा और नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा, नाम कुछ भी रखो, कर्मचारियों फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि नाम कुछ भी रखो, कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन सिस्टम चाहिए। उन्होंने एनपीएस के लिए को ओपीएस में बदलने के लिए सुझाव दिए हैं। नई पेंशन स्कीम में पेंशन लाभ आकर्षक बने। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने वित्त सचिव टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी और इसका मकसद गैर अंशदायी और वित्तीय रूप से अस्थिर पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस लौटे बिना, बता दें कि एनपीएस लाभों को बेहतर बनाने के तरीके खोजना था। और इस कमेटी में कर्मचारी लोक सेवा शिकायत व पेंशन मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियमन व विकास प्राधिकरण PFRDA के अध्यक्ष को बतौर सदस्य शामिल जो है किया गया। कमेटी से कहा गया था कि वह नई पेंशन स्कीम एनपीएस के मौजूदा फ्रेमवर्क और ढांचे के संदर्भ में बदलावों की सिफारिश करें और किस तरह से नई पेंशन स्कीम की तहत पेंशन लाभ को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए, इस बाबत सुझाव दें। और कार्यालय ज्ञापन में कमेटी से यह भी कहा गया कि वह इस बात के जो है ख्याल रखे कि उसके सुझावों का आम जनता के लिए हितों व बजटीय अनुशासन पर कोई विपरीत असर न हो। दो पन्नों के कार्यालय विज्ञापन में कहीं पर भी ओपीएस नहीं लिखा था, उसमें केवल एनपीएस का ही जिक्र था। एनपीएस में जीपीएस की सुविधा भी नहीं और AIDEF के महासचिव श्री कुमार ने बताया कि अभी तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। कर्मचारी संगठनों की एक ही मांग है कि गारंटीकृत पुरानी पेंशन लागू की जाए। सरकारी कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जो कि सरकार के लिए
24 घंटे काम करती है। युद्ध, आपातकाल या कोरोना जैसी महामारी, कोई भी हो, आपदा हो, सरकारी कर्मचारियों ने दो कदम आगे बढ़ करके काम किया। पेंशन के लिए उनके वेतन से 10% कटौती क्यों की जाए? एनपीएस में 10% की कटौती क्यों की जाए? एनपीएस में 10% बेसिक पे और इतने ही डीए में कटौती हो रही है। एनपीएस में तो जीपीएस की सुविधा भी नहीं मिलेगी। वजह, यह सुविधा तो पुरानी पेंशन वाले कर्मचारियों को ही मिलती है। ओपीएस के मुद्दे पर सभी कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर आगामी रणनीति तैयार होगी और आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल की चर्चा केंद्र कर्मचारी संगठनों में जो है ऐसे चर्चा भी है जहां केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल्स के तर्ज पर एनपीएस में बदलाव कर सकती है और इसमें पेंशन की जो है राशि सेवानिवृत्ति पर अंतिम प्राप्त मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते डीए का 50% होती है और यह एनपीएस और पारस्परिक परिभाषित लाभ पेंशन योजना के तत्वों को एकीकृत करती है। राज्य सरकार और कर्मचारी दोनों ही एनपीएस में कर्मचारी के वेतन का 10% योगदान करते हुए आंध्र प्रदेश गारंटी पेंशन सिस्टम एपीजीपीएस अधिनियम 2023 की धारा 3 के तहत यह मॉडल बाजार में उतराव चढ़ाव से जुड़े जोखिम को कम करता है और इसमें सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा सामाजिक सुविधा सुरक्षा मिलती है और रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर और अनुमानित आय सुनिश्चित होती है और एनपीएस में शामिल कर्मियों को बतौर पेंशन अंतिम आहरित मूल वेतन के 50% तक की गारंटी दी जा सकती है। एनपीएस में 11,00,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहुत ही किफ़ायती है। अगर केंद्र की सत्ता में विपक्ष भी आ जाए तो वह एनपीएस को ख़त्म नहीं करेगा। इसके पीछे वजह है कि मौजूदा समय में 11,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि एनपीएस में जमा है। एनपीएस की वजह से हर माह 12,000 करोड़ रुपए एलआईसी और यूटीआई और एसबीआई के पास जमा होते हैं। बस पैसा निवेश में लगता है विशेष करके, और ऐसे में अगर एनपीएस को एक झटके में ख़त्म कर दो तो इन संस्थानों को हर माह 4,000 करोड़ रुपए मिलने बंद हो जाएंगे और इसका असर क्या होगा? और यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनपीएस के पैसे का 85% हिस्सा इक्विटी में लगा है तो 15% पैसा सरकारी सिक्योरिटी में लगा है और इस पैसे में कटौती हो जाए तो भारी नुकसान संभव है। कई योजनाएं बंद हो सकती है तो शेयर मार्केट पर विपरीत असर पड़ेगा और ऐसे में बड़ा नुकसान तो कर्मचारी को ही होगा। हमारे संगठन की मांग है कि एनपीएस को ओपीएस में बदला जाए, भले ही नाम कुछ भी रख दो, मगर कर्मचारियों को गारंटीकृत पुरानी पेंशन वाले सारे लाभ मिले और जीपीएफ में जो है 7.1% दर से ब्याज। बतौर डॉक्टर मनजीत पटेल जीपीएस में सैलरी का 6-7% हिस्सा काटता था, उस पर जो है 7.1% दर से ब्याज मिलता है और एनपीएस में 10% की कटौती है और इस पर फिक्स ब्याज नहीं मिलता है और ये पैसा तो मार्केट में लगता है और जीपीएस का पैसा कहीं पर निवेश नहीं होता है, सरकार उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती है। स्थिति चाहे जो भी रहे, उस पर जो है 7% ब्याज तो देना ही पड़ता था। अब एनपीएस की तहत मिलने वाले ब्याज को देखते तो वह जो है औसतन 9% से ज़्यादा ही मिलता रहा है और इस राशि पर मार्केट के उतराव चढ़ाव का असर होता है। सरकार एनपीएस में जीपीएस की तरह 7% ब्याज की गारंटी दे दे और इससे ज़्यादा जो है फ़ायदा है तो
वह अपने खाते में डाल दे और एनपीएस में कर्मचारी जो 10% हिस्सा जमा करता है उसकी जो है सीमा खत्म कर दो और उसे 50% तक बढ़ा दे और मार्केट में ज़्यादा पैसा लगेगा तो ज़्यादा फायदा मिलेगा और एनपीएस में जीपीएस से ज़्यादा रिटर्न मौजूदा समय में एनपीएस में 10% कर्मी का जो है और 14% हिस्सा सरकार जमा करवाती है और हालांकि मतलब इसमें आपको बता दे कि एनपीएस में इसमें तय रिटर्न की गारंटी नहीं है। व्यवहार में सामने आया है कि एनपीएस में जीपीएस से ज़्यादा रिटर्न आता रहा है और इसकी औसत कहीं ज़्यादा है। रिटायरमेंट के दौरान सरकार अपने 14 रुपये और उसका ब्याज वापस ले ले और ये पैसा कर्मचारी को मत दे। रिटायरमेंट पर कर्मचारी से विकल्प ले लो और उसे जो है वक्त कर्मचारी को ओपीएस दे दो, मतलब कर्मचारी का हिस्सा और ओपीएस दोनों दिए जाएं और अभी किसी भी कर्मचारी की मृत्यु के दौरान इसी फार्मूले पर पैसा दिया जाता है और यही प्रक्रिया रिटायरमेंट होने पर लागू की जाए कर दी जाए। दोस्तों इस तरह की अपडेट यदि पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।